हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज CMET। यहाँ पर जो सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के थ्रू यहाँ पर आपके लिए पोस्ट, यहाँ पर जॉब रिलीज हुई है। सो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस आई हुई है, जिसे आप पढ़ेंगे और फिर उसको इंटरेस्ट सभी डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे ऑफिशियली, है कि नहीं। तो ये आप सही डिटेल पहले पढ़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है क्या है क्या नहीं है। तो आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है, प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट, एसोसिएट, ओके। तो नेचर ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नेचर क्या है, ओके। तो ये टेम्प्रेरी ऑन द प्रोजेक्ट बेस है, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नंबर ऑफ पोस्ट, 3 पोस्ट है। टेनर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर इनिशियली फॉर द 1 ईयर, मे बी एक्सटेंडेड अप टू कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ 13 मार्च 2027। अब आपकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपने PhD इन केमिस्ट्री से या फिर मटेरियल साइंस या फिर फिजिक्स और इक्विवेलेंट 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए रहता है, ओके। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्या बताया गया, 2D मटेरियल्स एंड डिवाइस, जो भी यहाँ पर लिखा है सब अलग अलग बताया गया है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस। अब आपकी बात करें एज लिमिट की, तो नो, अब यहाँ पर 35 ईयर्स, नोट एक्सिस्टिंग। अब यहाँ पर ऑन 28 फरवरी 2022 को यहाँ पर एज लिमिट है। एमोलूमेंट यहाँ पर 49 प्लस, ये क्या है, इसका मतलब होता है कि सैलरी आपको ये पोस्ट करते हैं, इस पे आप काम करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर मंथ 49,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, प्लस और भी मिलता है, HRA पर मंथ भी मिलता है, ओके। तो इस पोस्ट को करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, पोस्ट, 3 ईयर, एज लिमिट, ये सभी चीज़ें कि आप एलिजिबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आपको होना होगा। तो अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, तो बहुत सारे पोस्ट है, सभी के लिए अलग अलग पेमेंट है, मतलब सैलरी है अलग अलग, एज लिमिट अलग अलग, क्वालिफिकेशन अलग अलग, सारे प्रोसेस तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। तो नेचर ऑफ वर्क बताया था मैं यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट का है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी पोस्ट का नेचर ऑफ वर्क पढ़ सकते हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन क्या है सभी के रिलेटेड, और इंटरेस्टेड, जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड, जो भी स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल इन आवर वेबसाइट, तो ये वेबसाइट के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पर पूछी गए सब आपके पास होना चाहिए, वहाँ पे आपको काम आता है अप्लाई करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पर दी गई है, उसे आपको क्लिक करके फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस पोस्ट को, इस जॉब को अप्लाई कर लेना होगा। तो मैंने बताया आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या क्या देखना होता है, तो ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आपको क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।